नेता नहीं, मैं आपका बेटा हूं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बीएन झा कॉलोनी में। बता दें कि नगर निगम के नए जो मेयर हैं अरुण राय, चुनाव से पहले कहते थे कि मैं नेता नहीं आपका बेटा हूं, और यही कहकर उन्होंने वोट मांगा था। आप देख सकते हैं बस पानी हुई है, पहली बारिश है और जगह जगह पानी लगी हुई है। और जो नगर निगम के जो मेयर है अरुण राय, यह अपने काफला के साथ घूम रहे हैं और ये वार्ड वार्ड जा रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जहां बारिश का पानी लगा हुआ है। वहां जाकर ये लोगों से सलाह भी ले रहे हैं कि आखिरकार पानी की निकासी होगी कैसी, कैसे पानी की निकासी होगी। वो जाकर वहां के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, और पूछने के बाद ऑन स्पॉट आप देख सकते हैं कि हमारे उनके साथ बहुत सारे कर्मी भी हैं जो पानी, आप जरा कैमरा दिखाइएगा इधर, उनके साथ बहुत सारे कर्मी भी हैं जो निकासी का काम कर सकते हैं। साथ उनकी टीम होती है जहां ऑन स्पॉट ये जाकर फैसला करते हैं लोगों से मशवरा लेने के बाद, और फिर पानी का निकासी करते हैं, करवाते हैं। जहां तक सवाल बीएन झा कॉलोनी की है तो यह पुरानी रवायत रही है। बीते इतने वर्ष की बात की जाए तो जो नगर परिषद था उस जमाने में सही से देख रेख नहीं की गई, इसी का नतीजा है कि आज मधुबनी के अक्सर बेस्तर कॉलोनी में पानी लगती है। लेकिन अरुण राय मेयर बनने से पहले जो वादा किया था, इस वादा को निभाते हुए ये कह सकते हैं मेयर आपके द्वार हाजिरी दे रहे हैं और वहां जाकर आपके समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यह जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, इन्होंने जिस तरीके से अमल करना शुरू किया है, यह कब तक जारी रहेगा। वैसे यहाँ की जो जनता है, 145 वार्ड के जो लोग हैं, उन्हें काफ़ी उम्मीद है कि अरुण राय जो कहा था उन्होंने ये करना शुरू कर दिया है। देखिए ये खास बात, नेता नहीं मैं बेटा हूं, और आज अरुण राय एज ए मेयर द्वार पर पहुंचे हुए हैं लोगों की समस्या का समाधान के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? आज जब बारिश का हमको पता लगा कि बारिश के पानी से जल जमाव हो गया है, नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर, हम खुद कुछ पार्षदों के साथ आए हैं, लगभग 12-13 जगह भ्रमण करके देख लिए हैं जल जमाव कहाँ कहाँ है। तत्काल जो सुविधा होना चाहिए कल से वो लग जाएगा, शायद पानी से बहुत छुटकारा भी हमारा मतदाता मालिक पाएंगे। तो इस साल थोड़ा बहुत हम पहले ही बोले थे हमारा मतदाता मालिक को झेलना पड़ेगा, अगले वर्ष शायद ये पानी से छुटकारा हर हाल में हमारे मतदाता मालिक को हो जाएगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। आपके मतदाता मालिक का कहना है कि इस बार अरुण राय मेयर बनते ही इनकलाब पैदा कर दिया है, जो इलेक्शन से पहले लोग कहा करते थे साफ उनका उल्टा, उन्होंने जो कहा, अरुण राय ने जो कहा वही कर रहे हैं, लोगों के मुंह पर चुप्पी लगा दिया है जो कल तक उनके खिलाफ में बोला करते थे। ये इतने मतदाता मालिक का रुझान, इतने मत से जीते हैं, इनको विश्वासघात कैसे हम होने देंगे, हमारे खून में है कि 1 से 45 वार्ड में इस बार काम दिखाई देगा और काम का पैसा मिलेगा। कोई भी लेबर हो, स्टाफ हो, सड़क पे उतर के उसको काम करना होगा मतदाता मालिक के बीच, ताकि हमारे मतदाता मालिक को काम दिखाई दे और शहर सफा सुथरा नजर आए और शहर के लायक। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, ये हैं मेयर अरुण राय जी, जिन्होंने अपनी गद्दी को संभालने का 27 तारीख को उन्होंने गद्दी संभाला, 27 तारीख के शाम से वर्षा शुरू हुई, 27 तारीख से एक्शन आया। और आपको ये बताएं, सफाई की बात करें तो रात के 1 बजे से भी सफाई का काम मधुबनी में किया जा रहा है, जो एक इतिहास रच दिया इन्होंने। और पिछले 2 दिनों से ये घूम घूम कर वार्ड वार्ड जाकर खुद पानी देखते हैं कि कहाँ पानी का जमाव है, और उसकी निकासी के लिए टेम्पररी, इसीलिए कि बरसात के मौसम में टेम्पररी ही काम किया जाएगा, यह काम कर रहे हैं ताकि हमारे जो इनके जो वोटर्स हैं इनको कोई परेशानी नहीं। हम बात करते हैं सिटी मैनेजर सर से। सर स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद सर। बारिश हो रही है शहर के ज़्यादातर जगह पे, जो है जल जमाव हो गया है, और आप लोग उसकी टेम्पररी निकासी के लिए आप पूरी टीम के साथ, मेयर भी हैं और नगर निगम के अफसर भी हैं और आप भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? शहर को जल जमाव से बचाने के लिए पूर्व से प्लानिंग किया गया है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। कहीं कच्ची नली बनाने का है तो कच्चा नाला भी बनाया जाता है, पंपिंग सेट का व्यवस्था अगर जरूरी है तो भी किया जा रहा है। तो एक तरह से हम लोग का प्लानिंग के अनुसार सब कुछ हो रहा है, और पूर्व की भांति अब देखा जा रहा है कि मधुबनी में जो बारिश हुआ काफ़ी हद तक उस समस्या से निदान हम लोग कर चुके हैं। सर ये तो बहुत पुरानी रवायत रही है मधुबनी की, पानी का लगना,
अब नगर निगम तो आज बन गई है, पहले नगर परिषद था, क्या उस दौर में क्यों नहीं समाधान हो पाया इसका? अब तो पूर्व में क्या प्लानिंग था उसके बारे में हमें नहीं बता सकते, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है, परिस्थिति को देखते हुए हम लोग प्लानिंग किए हैं, उसके अनुसार कार्य भी कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग इस समस्या से आम पब्लिक को या शहरवासियों को निदान दिलाने का। आखिरी सवाल सर, सिटी मैनेजर आप हैं सर, नगर निगम में लग रहा है काफी ताकत बन गई है अब? जी जी जी, होश आ गया है आप लोगों में, जोश जज्बा बढ़ गई है। और वोट आ जाने से पूरे टीम के रूप में हमारे मेयर साहब और माननीय वार्ड पार्षद नगर आयुक्त महोदय और टीम बहुत अच्छी बन गई है, इस बार मधुबनी की डेवलपमेंट होना तय है। श्योर श्योर, ये तो लग रहा है कि अच्छा कार्य होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र मंडल। मंडल जी, अभी अरुण राय जी यहाँ आए थे, नगर आयुक्त भी आए हुए हैं नगर निगम के। ये तो बहुत जमाने से नर्क बना हुआ था, लेकिन अरुण राय मेयर बनने के बाद जो वादा किया था उन्होंने कि मैं नेता नहीं बेटा हूँ और मैं इस बरसात में टेम्पररी जो है पहुंचकर निवारण करूंगा, पानी की जाम नहीं लगे, पानी की समस्या नहीं हो, क्या लग रहा है? उसी का शुरुआत है, अच्छा लग रहा है, लगता है काम होगा। हाँ? इससे पहले कभी हुआ? इससे पहले बरसात का मौसम हो, अफसर आए इस वार्ड में, हमारे वार्ड कमिश्नर ने अपने स्तर से किया, कभी पदाधिकारी नहीं आए, पदाधिकारी नहीं, आज पूरी टीम घूम रही है अरुण राय के साथ, मेयर के साथ, कभी इससे पहले हुआ? ऐसा नहीं हुआ, इतिहास रच दिया। ये इतिहास। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक कुमार। धन्यवाद सर। आइए हम बात करते हैं, नगर आयुक्त भी हमारे साथ हैं, सुनील चौधरी सर, सर स्वागत। सर आप नगर आयुक्त हैं मधुबनी नगर निगम के, और ऐसा लग रहा है कि एक काफला बनाकर आप वार्ड टू वार्ड जा रहे हैं पानी की समस्या का समाधान के लिए। टेम्पररी ही होगा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं इस कदम का, आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, तारीफ की बात नहीं है, ये तो हम लोग का कर्तव्य है। पिछले बार भी बारिश में हम लोग घूमे थे, जो संसाधन था उसके अनुसार हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया। इस बार हम लोग ज्यादा सशक्त हैं इसलिए कि मेयर आ गए हैं, मेयर आ गए, काफी मजबूती मिल रही है सभी वार्ड में, अब वार्ड आयुक्त आ गए हैं, तो सबके साथ बैठकर समन्वय बनाकर हम लोगों को समस्या का निराकरण करना है। काफी मजबूत हो गए? बिल्कुल, काफी मजबूत हम लोग हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो तत्कालिक समाधान हो सके वो करें, और जो दीर्घकालीन समस्या है जिसका समाधान लंबे समय में हो सकता है उसके बारे में भी रूपरेखा हम लोग इसी क्रम में तैयार करेंगे। धन्यवाद।